अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका कानपुर। और आज हम बना रहे हैं फ्राई फिश, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी और ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। जायके में ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो फिर चलें बनाना शुरू करें। 700 ग्राम यहाँ पर हमने बोनलेस फिश ली है, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 1/2 टीस्पून हमने अजवाइन लिया है, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/3 स्पून हमने गर्म मसाला लिया है, 4 से 5 चम्मच हमें चावल का आटा चाहिए, 4 से 5 चम्मच हमने दही लिया है, क्वांटिटी के हिसाब से 50 ग्राम है, नमक जायके के मुताबिक, 1.5 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, ऑरेंज कलर ऑप्शनल है, दही, गरम मसाला, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। हम इसे अच्छे से मैरिनेट करते हैं। इसी में हम चावल का आटा डालते हैं। 4 चम्मच हमने चावल का आटा डाला है। अगर आपको और ज्यादा क्रिस्पी करनी है तो आप 5 चम्मच 6 चम्मच भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें विनेगर डालते हैं, आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। 10 मिनट हम इसे रेस्ट पर छोड़ते हैं और बस इसे फ्राई करते हैं। आप चाहें तो सडन फ्राई भी कर सकते हैं, पर आप अगर इसे 10 मिनट छोड़ेंगे तो मैरिनेशन पीसेस में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा। 10 से 15 मिनट हो गए हैं फिश को मैरिनेट होते हुए। आप इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके और फिर इसे फ्राई करते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया है, हम इसमें फिश के पीसेस डालते हैं। आप मसाले में अच्छे से कोट करके डालें। फिश के पीसेस हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं, हम इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। दोनों साइड से फिश अच्छे से फ्राई हो गई है, हम इसे निकाल लेते हैं और इसमें बाकी की फिश डालते हैं। फिश को हमने प्लेट में सर्व कर दिया है। आप इसे गर्मा गर्म खाएं, ये बहुत अच्छी लगती है और ये 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है। आप इसे मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो देर किस बात की, लाइक करें। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।